दाग दिल भी लिखता है मुल्के सुखन के शाही तुमको रजा मुसल्लम। आप लोग सोच रहे होंगे ये कलाम तो आला हजरत का है, फिर हजरत ये क्या कह रहे कि दाग दिल भी आखिर में लिखता है। तो मैं आपको बताऊं, ये मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। इस शेर में आला हजरत की तारीफ बयान हो रही है, आला हजरत का की जिक्र किया जा रहा है, आला हजरत का तारीफ, आला हजरत की तारीफ बयान की जा रही है। मगर मेरा दावा है, इन उलमा से पूछो, पूरी के पूरी हदाई की बख्शिश जो नाते पाक की लिखी हुई आला हजरत की किताब है, पूरी हदाई की बख्शिश उठा करके देखो, आला हजरत ने सरकार की बारगाह में नात लिखा है, तो नात के अंदर न अपने आप की तारीफ बयान की है, न अपने बाप दादाओं का जिक्र किया है, न अपने खानदान वालों की तारीफ बयान की है, बल्कि आला हजरत का मामूल ये रहा है कि आला हजरत ने कभी भी नाते मुस्तफा जब भी लिखी है तो न अपने आप की तारीफ बयान की है, न अपने बाप का जिक्र किया है, न अपने दादा का जिक्र किया है, न अपने आबाओ अशाद का जिक्र किया है, न खानदान वालों का जिक्र किया है। अरे आला हजरत ने जब भी नाते मुस्तफा लिखी है तो अपने घर वालों की तारीफ बयान नहीं की है, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा की तारीफ बयान की है, सरकार दो आलम का जिक्र किया है। और जब आला हजरत ने मदीने वाले मुस्तफा की तारीफ बयान की तो बारगाह रिसालत से आला हजरत को यह इनाम दिया गया कि आज पूरी दुनिया के कोने कोने से यही आवाज आ रही है, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, किस सब तो देखिए वो इलाका रजा का है। मेरे रिसालत अहले सुन्नत मसलके आला हजरत नारे तकबीर सर जमीने उड़ेगा, वादी रजा की कोई हिमालय रजा का है, ये तो फैजान मदीने वाले मुस्तफा का कि आज बच्चा बच्चा कह रहा है वादी रजा की कोई हिमालय रजा का है, जिस संत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत कुछ इल्मे दीन पर, जो कुछ इस सदी में है वो तन्हा रजा का है, और खामोश हो रहे हैं ये कहकर हासिदीन, खामोश हो रहे हैं ये कहकर हासिदीन, जितना दबाया उतना ही शोहरा रजा का है, जितना दबाया उतना ही शोहरा रजा का है। तो ये मुल्के सुखन की शाही, ये आला हजरत का लिखा का वह शेर नहीं है, नात पूरी आला हजरत की लिखी हुई है, मगर आखिर का शेर आला हजरत का नहीं है। बात ये थी कि आला हजरत ने ये तो नात लिखी मगर आखिरी का मक्ता लिखना बाकी था कि आपके भाई अल्लामा हसन रजा साहब मुलाकात के लिए आला हजरत से आते और कहते भाईजान मैं दिल्ली जाना चाह रहा हूं, आपसे इजाजत लेने आया हो। आला हजरत ने इजाजत दी, देखा कि मेज पर नाते पाक का पर्चा लिखा हुआ है, रखा हुआ है। अल्लामा हसन रजा साहब ने वो पर्चा उठाया और कहा भाईजान अगर इजाजत हो तो मैं इसे अपने साथ दिल्ली ले जाना चाहता हूँ। आला हजरत ने इजाजत दी। जानते हो कौन है ये अल्लामा हसन रजा? ये भी बहुत बड़े शायर है, बहुत बड़े आशिक रसूल शायर। आला हजरत फरमाते हैं मैं अपनी जिंदगी में दो ही शोरा का कलाम सुनना पसंद करता हूँ, एक तो मेरे भाई अल्लामा हसन रजा बरेलवी का कलाम सुनना पसंद करता हूँ, और दूसरे हजरत मौलाना किफायत अली काफी का लिखा हुआ कलाम सुनना पसंद करता हूँ। बहरहाल अल्लामा हसन रजा ने वो नात का पर्चा लिखा हुआ जो था वो अपने साथ ले लिए, दहली गए। दहली में एक बहुत बड़ा शायर था जिसका नाम दाग दहलवी था, और ये आम शोरा में से नहीं था, एक उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा शायर, बड़े बड़े शोरा जिसके सामने जानवे अदब तय करते थे, वो शायर से अल्लामा हसन रजा यानी आला हजरत की भाई की मुलाकात होती है। शेर सुखन पर बात जब होने लगी तो अल्लामा हसन रजा ने अपने भाई आला हजरत का लिखा हुआ कलाम का पर्चा निकाला और दाग दहलवी को कहा कि ये देखिए और इसमें अगर कुछ मामला हो तो हमें बताइए, यानी क्या चीज की कमी है वो बताइए। अब जैसी दाग दहलवी ने वो आला हजरत का लिखा हुआ कलाम आंखों के सामने पढ़ना शुरू किया तो वो नाते पाक उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए है, जिस राह चल दिए है कूचे बसा दिए। जब ये नात पढ़ते जा रहा था दाग दहलवी कि इस शायर की आंखों से आंसू रवा दवा होने लगे, बहने लगे, यहाँ तक कि वो नात पढ़ते जा रहा है आंसू बहाते जा रहे।
लिखना पसंद करूंगा। मुझे इजाजत दो, मैं आखिरी मक्ता का शेर मैं खुद लिखूंगा, मगर उसमें मेरा तखल्लुस नहीं आएगा बल्कि आपके भाई आला हजरत का तखल्लुस आएगा। और मैं ये अरीजा पेश करूंगा, जब मैं वो शेर लिख दूं तो वो शेर को हटाया नहीं जाए बल्कि पूरी नात के अंदर आखिर में ये शेर बरकरार रखा जाए। आला हजरत के भाई अल्लामा हसन रजा ने दाग दहलवी को इजाजत दी। अब जरा मुलाहिजा कीजिएगा, अब दाग दहलवी कौन सा शेर लिख रहा है? कलम उठाता है, पहले नाते पाक पढ़ता है, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए है, जिस राह चल दिए है कोचे बसा दिए है, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए है सब गम भुला दिए है। और फिर लिखते हैं कि मेरे करीम से डर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है, दुर्बे बहा दिए है, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए है। अब दाग दहलवी नीचे लिखता है, मुल्के सुखन की शाही तुमको रसा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रसा मुसल्लम, जिस्म तो आ गए हो सिक्के बिठा दिए है, जिस्म तो आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। अजीजा ने मिलत इस्लामिया, ये जलसा है इस्लाम आशरे का, आज का ये जलसा रखा हुआ है, ये जलसा जहां पर बच्चों ने कुरान पाक खत्म किया, जहां पर बच्चों ने हिस्सा लिया, किसी बच्चे ने नाते पाक पढ़ा, किसी बच्चे ने नाते रसूल पढ़ी, किसी ने पांच कलमे सुनाए, किसी ने दुआए कुनूत सुनाया, किसी ने अत्तहियात सुनाया, और ना जाने किसी ने कौन कौन सी दुआएं पढ़ी। आपके बच्चे जब आपके सामने माइक पर पढ़ रहे थे, यकीनन दिल खुश हो रहा होगा, यकीनन आपका दिल खुश हो रहा होगा, अरे मेरे प्यारे हमें वो माइक के सामने खड़ा कर दिया जाए तो हम बोल नहीं सकते हैं, ये आपका हाल है। मगर वही उसी माइक पर आपका छोटा सा बच्चा, 10 साल का बच्चा नहीं बल्कि 5-7 साल का बच्चा आकर के नाते मुसफा पढ़ रहा है, तो जरा कुर्बान जाओ उस बच्चे पर और पढ़ाने वाले आलिम दीन मौलाना अबू नसर रजवी साहब पर कि इन्होंने कितनी मेहनत करा करके उस बच्चे को 5 कलमे याद कराए होंगे, नाते पाक याद कराई होगी, दुआएं याद कराई होगी, तभी तो आपका बच्चा माइक पर आकर के नाते मुसफा पढ़ रहा है। अरे औरंगाबाद के मुसलमानों अपने यहां नसीबे पे कुर्बान जाओ, अरे किसी का बच्चा मोबाइल लेकर के कोई गाना सुनता है, कोई गाना पढ़ता है, मगर आपका बच्चा मोबाइल देख करके भी बल्कि बिगे मोबाइल के ना गाना सुना रहा था ना गाना पढ़ रहा था, बल्कि आपका बच्चा माइक पर खड़े होकर नाते मुसफा पढ़ रहा था, जिक्र मुसफा कर रहा था। और क्यों ना हो, जिसका बच्चा बचपन ही में नाते मुस्तफा पढ़ने वाला होगा वो जवानी में जवान हो करके शराब पीने वाला नहीं होगा, वो जवानी में जवान हो करके ये बच्चा जब नाते मुस्तफा बचपन से पढ़ेंगे कलमे याद करेंगे तो यही बच्चे बड़े हो करके जुआ नहीं खेलेंगे, सट्टा नहीं खेलेंगे, आंकड़ा नहीं खेलेंगे, ना ही शराब के अड्डे पर जाएंगे, बल्कि यही बच्चे जब मदरसे में आप पढ़ने के लिए भेजते हैं तो यही बच्चों को उलमाए किराम तरबियत देते हैं, उन्हें निखारते हैं, उन्हें सवारते हैं और उनके सीने में सरकारे दो आलम की मोहब्बत का झाम पिलाते हैं। जब यही बच्चे बड़े होते हैं जवान होते हैं तो ये आवारा नहीं हुआ करते हैं, ये बदमाश नहीं हुआ करते हैं, बल्कि यही बच्चे बड़े होकर अपने सरों पर अमामा सजाते हुए नजर आते हैं, यही बच्चे बड़े होकर के अपने चेहरे पर दाढ़ी रखते हुए नजर आते हैं। मगर आज अफसोस का मकाम यह है कि हम अपने बच्चों को मदरसे भेजने में इतनी तवज्जो नहीं देते हैं जितनी तवज्जो हम स्कूल पढ़ाने की तरफ देते हैं। हमारा बच्चा स्कूल में जा रहा है या नहीं जा रहा है, हमारा बच्चा सही तौर पर स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा है, और फिर गाड़ी लगी हुई है या नहीं, मुंह धोया या नहीं, स्कूल का ड्रेस पहना या नहीं, सारी तवज्जो देते हैं, मगर जब मदरसे में भेजने की बात आती है तो हम टाए माए इधर उधर करते हुए नजर आते हैं। बच्चा पढ़ने गया या नहीं गया, ना उस बच्चे से पूछते हैं ना अपनी अहलिया से पूछते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने के लिए गया था कि नहीं गया था, कुछ भी हम पूछा नहीं करते हैं। मगर याद रखो मेरे प्यारे, तुम्हारा बच्चा जो स्कूल में जा रहा है रिक्शा से जा रहा होगा या 2 व्हीलर पर जा रहा होगा या 3 व्हीलर पर जा रहा होगा या 4 व्हीलर पर जा रहा होगा, मगर उसके जाने में और तुम्हारा बच्चा जो मदरसे में आता है पढ़ने के लिए आता है, अगर से वो पैदल आ रहा है उसके स्कूल जाने में और इसके मदरसे में आने में
زمین و آسمان کا فرق ہے مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا بچہ جو مدرسے میں آیا کہتا ہے پڑھنے کے لیے آتا ہے کہ ننے ننے قدم اٹھا کر کے جب گھر سے نکلتا ہے مدرسے کی طرف جاتا ہے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اے فرشتوں آسمان پر بیٹھنا چھوڑو زمین پر جاؤ یہ دیکھو میرے محبوب کی امتی ننے ننے بچے مدرسہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تم ان کے استقبال اس طور پر کرو اس شان کے ساتھ میں کرو کہ اے فرشتوں اپنے نورانی پر بچھا دو پروں کو بچھا دو تاکہ یہ میرے بندے اپنے قدم کسی زوال پر نہیں بلکہ تمہارے پروں پر رکھتے ہوئے نظر آئے تمہارے پروں پر ان کے پیر پڑے اگرچہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے ہمیں تو زمین معلوم ہوتی ہے مگر ہمارا ایمان مدینے والے مصطفیٰ پر ہے سرکار دو عالم نے فرما دیا کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں ان بچوں کے لیے جو علم دین سیکھنے کے لیے جایا کرتے ہیں تمہاری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو سکتا ہے تمہاری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے مگر قربان جاؤ یہاں نہ کیسی انتظام کیا جا رہا ہے اللہ کے رسول کے مہمانوں کے لیے کہ یہاں پر تمہاری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو سکتا ہے گاڑی بگڑ سکتی ہے مگر اللہ کی طرف سے لگائے گئے فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ بچہ جب قاعدہ یا قرآن سینے سے لگا کر کیسی گھر سے باہر نکلتا ہے تو فرشتے اپنے نورانی پروں دیتے ہیں اب حکم یہ دیا جاتا ہے کہ اب بچے لو بچوں کے قدم بظاہر تو زمین پر پڑتے ہیں مگر جن کے سینوں میں اللہ نے نور ولایت دیا ہے جن کی آنکھوں میں نور ولایت کا نور ہوا کرتا ہے وہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بچوں کے بظاہر قدم تو زمین پر پڑ رہے ہیں مگر حقیقت میں وہ زمین پر نہیں بلکہ فرشتوں کے پروں کے اوپر ان کے قدم پڑ رہے ہوتے ہیں یہ شان ہوا کرتی ہے مدرسے میں بھیجنے والوں کے بچوں کی یہ عظمت ہوا کرتی ہے مدرسے کے بچوں کی مگر آج کمی ہے میرے پیارے بچوں کی اصلاح کی آج ہم رونا روتے کیا ہمارا بچہ سن نہیں رہا ہمارا بچہ الٹا کر کے جواب دے رہا ہے ہماری بیٹی ہمارے کہنے میں نہیں ہے ہماری بیٹی جیسی جوان ہوئی اہل غیروں کی چکر میں آ کر موبائل کے چکر میں آ کر پیار محبت کے اندر پھنس گئی ہماری بیٹی ہم سے بغاوت پر اتر رہی ہے کہ آج معاشرہ اس طور پر نہیں بگڑ رہا یقیناً آج پورے ہندوستان یہاں کی بات نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی بات لی جائے تو یہی خبر آپ کو ملے گی کہ بیٹے ماں باپ کے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں بیٹیاں ماں باپ سے بغاوت کرنے والی ہوتی جا رہی ہے آخر وجہ کیا ہے ہماری بیٹی جب جوان ہو جاتی ہے تو ماں باپ کے سے بغاوت کیوں کر رہی ہے آخر کار ہماری بیٹی جب بڑی ہو جاتی ہے تو غیروں کے ساتھ بھاگتی ہوئی کیوں نظر آ رہی ہے یہاں تک کہ اسلام جیسا پاکیزہ مذہب چھوڑ کر کے غیروں کا مذہب اپناتی نظر آ رہی ہے آخر وجہ کیا ہے آج ہمارا بیٹا جب جوان ہوتا ہے تو ہم سے بغاوت کیوں کر رہا ہے ہمارا بیٹا جب جوان ہو رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل کیوں نظر آ رہی ہے ہمارا بیٹا اگر بڑا ہو رہا ہے تو بیئر کی بوتل اس کے ہاتھوں میں کیوں نظر آ رہی ہے ہمارا بیٹا جب جوان ہو رہا ہے اس کے ہاتھوں میں پتوں کی گڈیاں کیوں نظر آ رہی ہے جوا کیوں کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے کیا کبھی ہم نے غور و فکر کیا نہیں کیا ہوگا تو آج غور کرو اسی لیے شہروں کے اندر گاؤں کے اندر چھوٹے چھوٹے جلسے اسی لیے سجائے جاتے ہیں تاکہ باہر سے علماء کرام کو بلایا جائے اور علماء کرام آپ کو بتائے کہ ہمارے معاشرے کے اندر سدھار کیسے پیدا ہوگا ہمارا گھر جنتی گھر کیسا ہوگا ہمارا ماحول جنتی ماحول کیسا ہوگا اے میرے پیارے آج میں بتانا چاہتا ہوں ہماری بچیاں بگڑ رہی ہیں ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں آخر وجہ کیا ہے رونا روتے حضرت شادی کرائے اور بیٹا الگ نکل گیا باپ کو بھی مارا ماں کو بھی مارا آخر کیوں وجہ اس کی یہی ہے کہ بچپن میں کاش ہم نے جب ہمارے بچے بچے تھے کاش اس وقت ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے مولانا سید ابو نصر رضوی صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجے ہوتے تو حضرت آپ کے بچوں کو یہ حدیث سکھائے ہوتے الجنت تحت اقدام الامہات کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے باپ جنت کا دروازہ ہے جب بچہ بچپن میں یہ سیکھ لے
होते तो उसकी बरकत यह होती कि वो बच्चा जवान होकर के माँ के कदमों का बोसा लेता हुआ नजर आता, बाप के पैरों को चूमता हुआ नजर आता। मगर काल अफसोस की बात है कि हमने अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ने के लिए नहीं भेजा। काश हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजे थे, काश हम अपने बच्चों को इन उलमाए किराम से करीब करते ताकि हमारा बच्चा जवान होकर के जवानी में बाप को गालियां ना देता, माँ को बुरा भला नहीं कहता। क्या हमारे गांव में नहीं होता है? माँ बाप की नाफरमानी बच्चे कर रहे कि नहीं कर रहे? अरे जोर से बोलो ना। हम तो आप लोग तो ऐसे चुपचाप बैठे हुए कि शायद ऊपर से बात जा रही होगी। नहीं मेरे प्यारे, समझ में आ रही है तो समझो। आज जरूरत है मदरसों की, आज जरूरत है हमारे बच्चों को इन उलमाए किराम से करीब करने की, आज जरूरत है हमारे जवानों को तहरीके जमाते रजाए मुस्तफा से जोड़ने की। इसलिए कि जब बच्चा जो नौजवान तहरीके जमाते रजाए मुस्तफा से जुड़ जाता है या जो जवान इन उलमा की सोबत को इख्तियार कर लेता है तो अल्लाह ताला उसकी जवानी की ऐसी हिफाजत करता कि फिर वो जवान आवारा नहीं होता, वो जवान बदमाशी नहीं करता, वो जवान के हाथ में शराब नहीं बल्कि उस जवान की जबान पर नाते मुस्तफा जारी हो जाती है, उस जवान का चेहरे पर सुन्नत रसूल सजा दी जाती है। इन उलमा के कदमों में आ जाए, तहरीके जमात रजा मुस्तफा से हमारे बच्चों को ज्वाइन करे, इंशाअल्लाह ताला हमारा बच्चा जो होगा, हमारा जवान जो होगा इन उलमा की मेहनत की बुनियाद पर ऐसा समर्थ नजर आएगा कि जब वो चलते चलेगा, जब वो गली से गुजरेगा, अपने तो अपने घर भी कहते हुए नजर आएंगे कि जाने वाला कोई आम आदमी नहीं बल्कि गुलामे मुस्तफा जा रहा है, आशी के रसूल जा रहा है। ऐ मेरे प्यारे, आज हमारी बच्चियां मोबाइल के चक्करों में, आज हमारी बच्चियां के हाथ में हमने मोबाइल दे दिया, वो देखो जबकि बेटियों की असल में तालीम और तरबियत की सख्त जरूरत है। आज कितनी बच्चियां गैरों के साथ भागकर अपना ईमान बर्बाद कर रही है। हमारी बच्चियों को हमने कभी किरदारे फातिमा सिखाया? हमने अपनी बच्चियों को कभी तालीम दी कि खातून जन्नत सरकार दो आलम अलैहि सलातु सलाम की लखे जिगर सैयदा आबिदा साहिदा ताहिरा खातून जन्नत बीबी फातिमा के जहरा ने किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारी, कभी हमने ये गौर फिक्र किया? आओ मैं आपको बताता हूँ, चलू मदीने की गली में ले चलू, अगर मेरी माँ बहन आई हुई है, मेरी बेटियां आई हुई है, वो गौर से सुने और आज हम अपने आप को संवारने की कोशिश करें। हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हजरत खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ईशा के बाद अपने वालिद गिरामी यानी सरकारी मदीना अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए जब तशरीफ ले गए, दरवाजा खटखटाया गया। अब जैसी दरवाजा खटखटाया गया तो सरकार अलैहिस्सलाम ने अंदर से काफी देर तक की आवाज नहीं आई। फिर दो तीसरी मरतबा दरवाजा जंजीर खटखटाई गई तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अंता, तुम कौन हो? तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की अब्बा जान, सरकार या रसूल अल्लाह आपकी बेटी आपका जिगर फातिमा तो ज़हरा दरवाजे पर है। कहा आपके साथ कौन? कहा मेरे साथ मेरे शोहर हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। मेरे आका ने फरमाया, फातिमा दरवाजा खोलो, अंदर आ जाओ। अब जैसी हजरत फातिमा ने दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुए तो देखकर दोनों मियाँ बीवी हैरत ज़दा हो गए कि उस वक्त तो हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी थे, सरकार रो रहे थे। सरकार इस कदर रोए हुए थे कि सरकार के आंसू बह बह कर रुखसारे मुबारक से निकलकर दाढ़ी मुबारका पर गिरने की वजह से दाढ़ी मुबारका आंसुओं से तर हो चुकी थी, गीली हो चुकी थी। हजरत खातून जन्नत ने जब ये मंजर देखा तो
दौड़ करके सरकार तो आलम अलैहिस्सलाम की चादर ततीर पकड़ कर अर्ज करती, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्बा हुजूर आपको किस चीज में रुलाया है? मेरी आका फरमाते, बेटी फातिमा, मैं जब से मेराजुन नबी की रात में, मेराज की रात में मैं जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ और वहां से मैंने जन्नत और दोज़ख का नजारा किया, मैंने जब जहन्नम में की का नजारा देखा, तो तब से मुझे, ऐ मेरी बेटी, तब से मुझे एक भी रात में चैन की नींद ना सोया, तब से मैं उम्मत की फिक्र में रो रहा हूँ, उम्मत की फिक्र में रो रहा हूँ। हज़रत खातून ने जन्नत अर्ज़ कर दी, बाबा जान आखिर आपने जहन्नम में क्या नजारा देखा? ये तो यकीनन मालूम है कि जहन्नम में आग है, मगर आका आपको किन आमा किन बंदों की किन उम्मतियों की अजाब को देख करके आपकी आंखों में आंसू जा रहे हुए? तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मैंने जहन्नम में छह किस्मों की औरतों को देखा, छह किस्मों की औरतों को तरह तरह का अलग अलग अजाब होते हुए देखा। तब से मैं अपनी इस उम्मत की औरतों के लिए बड़ा फिक्रमंद हूँ, काश मेरा रब मेरी उम्मत की औरतों को बख्श दे। ये कहकर आका हजारों कतार फिर रोना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक के आंसू इतने निकलते सरकार के कि सीने मुबारक तक तर हो जाता है। हजरत खातून जन्नत ने अर्ज की, बाबा जान आखिर आपने वो मंजर क्या देखा? वो छह किस्मों की औरतें कौन कौन सी थी और उन्हें क्यों अजाब दिया जा रहा था? तो सरकार मदीना फरमाते हैं, मैं जब मुझे जहन्नम का नजारा कराया गया तो जिब्रील अमीन मेरे साथ थे, मैंने देखा कि एक औरत के बाल के पकड़ करके उसे वो लटकाया गया हुआ है और उसका दिमाग हांडी में जिस तरह से गोश्त उबलता है वैसे ही उसका दिमाग उबल रहा था। मैंने देखा कि बालों के बल उस औरत को लटकाया हुआ था। फिर मैंने आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद मैंने देखा कि एक औरत की जबान बाहर निकाली हुई है और जबान पकड़ करके उसको लटकाया हुआ है और उसे जहन्नम के अंदर अजाब दिया जा रहा है। हजरत जिब्रील अर्ज करते, आका आगे बढ़िए। मैं तीसरी औरत की तरफ गया तो मैंने क्या देखा कि एक औरत को सीने के बल लटकाया हुआ था और उस पर फरिश्ते अज़ाब दे रहे थे। हज़रत जिब्रील अर्ज करते, या रसूलल्लाह आगे बढ़िए। मैं आगे बढ़ा तो मैंने क्या देखा, एक औरत के पैर उसके सीने पर बंधे हुए है और उसके हाथ उसकी पेशानी पर बंधे हुए है और वो अजाब में मुब्तला है। हज़रत जिब्रील अमीन आगे बढ़ते हैं, बढ़ने के लिए अर्ज करते हैं, सरकार आगे बढ़ते हैं तो सरकार ने क्या देखा, एक औरत है जिसका चेहरा सुअर की मानिंद है और जिस्म गधे की तरह, हालांकि वह औरत है, हालांकि वह इंसानों में से है। फिर हजरत जिब्रील अमीन आगे बढ़ने के लिए कहते हैं तो हुजूर ने देखा एक छठी औरत है कि जिसका चेहरा कुत्ते की शक्ल में और पूरी के पूरे कुत्ते या कुत्ता नुमा शक्ल में तब्दील की हुई है, उसके मुंह से आग डाली जा रही है और पाखाना के रास्ते से आग बाहर निकल रही है। ये मंजर हुजूर ने देखा, बेचैन बेकरार हो गए। जिब्रील अमीन से मेरे आका फरमाते हैं, ऐ जिब्रील, इन औरतों को किन गुनाह की वजह से अजाब हो रहा है? तो हजरत खातून जन्नत ने भी वही सवाल किया, अब्बा जान आखिर इन छह किस्मों की औरतों को किस बुनियाद पर अजाब दिया जा रहा था, किस वजह से सजा दी जा रही थी? अब मेरे आका फरमाते, मैंने भी जिब्रील अमीन से पूछा, ऐ जिब्रील अमीन ये बताओ कि पहली खातून को जो बालों के बल लटकाया हुआ था, जिसका दिमाग हांडी की तरह जोश मार रहा था, उसे किस गुनाह की बुनियाद पर सजा दी जा रही थी? जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, जिस औरत को बालों के बल लटकाया हुआ था और जिसका दिमाग हांडी की तरह जोश मार रहा था, वो किसी और गुनाह की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ उसका गुनाह इतना ही हुआ करता था कि वो दुनिया के अंदर गैर महरम मर्दों के सामने सर पर दुपट्टा रख करके नहीं आया करती थी बल्कि खुले सर बाहर निकला करती थी, जिसके बालों को गैर मर्द हजरात देखा करते थे, जिसकी बुनियाद पर आज उसे जहन्नम में अज़ाब दिया जा रहा है कि बालों के बल लटकाया हुआ है और उसका दिमाग हांडी की तरह जोश मार रहा है। ऐ मेरी माँ बहन बेटी, अगर सुन रही है तो अपने आप को सवार, अपने आप को निखार। अगर आज तुझसे तेरा शौहर कहता है, अगर आज तुझसे तेरा बाप कहता है, तेरा भाई कहता है सर पर दुपट्टा ओढ़, तो आज हमारी माँ बहन बेटी कहती है ये दुपट्टा रहने से मुझे घबराहट होती है, मुझे बेचैनी होती है, मैं दुपट्टा ओढ़ती हूँ तो दिमाग गर्म हो
नहीं बल्कि कंधों पर रखना गवारा करती हो। है मेरी माँ बहन बेटी, आज वो दुपट्टा जो तेरे सर पर तेरे बालों को छुपाने के लिए था, अफसोस आज वो दुपट्टा तेरे कंधों पर आ गया है। और इतना पतला दुपट्टा कि तू कहती है घबराहट होती है, तू कहती है दुपट्टा ओढ़ लो तो गर्मी के दिनों में मुझे घबराहट और तकलीफ महसूस होती है। ऐ मेरी माँ बहन बेटी, जरा कब्र की मंजिल को तो याद कर। ऐ मेरी बेटी, जरा कब्र की मंजर को तो याद कर। तुझे तो दो गज कफन में लपेट दिया जाएगा, अंधेरी कब्र के अंदर डाल दिया जाएगा, तंग और तारीख छोटी सी कब्र के अंदर डाल दिया जाएगा। न वहां पंखा होगा, न वहां एसी होगी, न वहां से कोई सुराख होगा। अरे तुझे आज घबराहट महसूस हो रही है, जरा गौर तो सर कर। दो गज कफन पहना करके जब तुझे कब्र में उतारा जाएगा, उस वक्त तेरा तुझे कितनी घबराहट होगी, तुझे कितनी बेचैनी होगी। अगर कब्र की घबराहट से बचना चाहती है, अगर कब्र की बेचैनी से बचना चाहती है, और मेरी माँ बहन बेटी आज से अपने सर पर दुपट्टा रख कर बालों को छुपाने की आदत डाल ले। आज तो गैर महरमों के सामने जब खुले सर आना बंद कर देगी तो इनाम तुझे कब्र में ये दिया जाएगा कि तेरी कब्र में खुदा आकर तो जहां तशरीफ लाएंगे, सरकारें तो आलम तशरीफ लाएंगे, मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ लाएंगे, और मेरे आका ऐसा करम करेंगे, ऐसा करम करेंगे, फरिश्तों से कहेंगे ऐ फरिश्तों ये तो खातून जन्नत के नक्शे कदम पर चलने वाली है, इसी के लिए जन्नत की खिड़की को खोल दिया जाए। जोर से बोलो। आज हमारी माँ बहन बेटी बाजार जाती है दुपट्टा गले में, सर के बाल, किस बुनियाद पर? सीरियल देखने की बुनियाद पर, फिल्म देखने की बुनियाद पर। हीरोइन किस तरह से बालों का जोड़ा बांध रही है, हमारी माँ बहन बेटी भी वैसे ही जोड़ा बांध कर बालों की नुमाइश कर कर जब घर से बाहर निकलती है। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया गया कि जिस घर में और क्योंकि ये आदत हो कि खुले सर घूमने और फिरने वाली हो, तो हुस्न फरमाते हैं ऐसे घर से रहमत के वरिश्ते दूर हो जाया करते हैं, ऐसे घर से बरकत को उठा लिया जाता है। आज हमारे घरों का भी माहौल देख लीजिए, रोना रोते हजरत बहुत कमाते, इधर से पैसा आता है उधर चला जाता है, हजरत पैसा नहीं टिकता है। अरे क्यों नहीं टिकता है? उसकी वजह यह है कि हमने अपने घर का माहौल वैसा बनाया ही नहीं है। काश हमारी माँ बहन बेटियां पर्देदार होती तो हमारे घर में रहमत के फरिश्तों का नुजूल होता, बरकत के फरिश्ते आते, मगर आज हमारी बेटियां खुले सर की आदत। जरा सोचो उस दौर की भी, हमारी माँ बहन बेटियां थी, दिल्ली की सरजमीन है, दिल्ली की सरजमीन पर दिल्ली की जामा मस्जिद के करीब दिल्ली के एक बहुत बड़े मैदान में सुबह फजरों से लेकर लोग जमा हुए, दिल्ली के सारे मुसलमान, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े सुविया, बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े हुफाज सब जमा हुए। किस बुनियाद पर जमा हुए थे? बरसात का मौसम था, 3 महीने गुजर चुके थे बारिश के महीने के, पर बारिश दिल्ली की सरजमीन पर नहीं हो रही थी। सारे लोग दुआ के लिए, दुआ करने के लिए नंगे सर नंगे पैर अपने घरों से निकले ताकि मैदान में जाए, खुले मैदान में जाए, खुले आसमान के नीचे जब ये बंदे दुआएं मांगेंगे तो यकीनन अल्लाह की रहमत पर, अल्लाह की रहमत बंदों पर रहम खाते हुए बारिश का नुज़ूल फरमाएगी, फरमाएगा अल्लाह ताला। ये बंदे तो नंगे सर चले थे, नंगे पैर चले, पर सुबह फजर से लेकर जोहर हो गई, दुआएं मांग रहे, गिड़गिड़ा करके रो रहे, पानी की बारिश नहीं हुई। जोहर से लेकर असर का वक्त हो गया मगर दिल्ली के अंदर बारिश बरसने का नाम नहीं ले रही है। अचानक असर के वक्त एक नौजवान एक डोली लेकर के, जिस डोली के अंदर, जिस पालकी के अंदर एक खातून बैठी हुई थी, वो डोली को लेकर के आ रहा है। चुनांचे आने के बाद दिल्ली वालों को देखा कि सारे के सारे एक मैदान में जमा हुए है। फरमाया ए लोगों, दिल्ली के मैदान में यहाँ पर क्यों जमा हुए है? तो लोगों ने कहा शायद तुम्हें मालूम नहीं, तुम दिल्ली के भी मालूम नहीं होते हो, वरना तुम्हें मालूम होता कि बारिश कई महीनों से नाजिल नहीं हुई है। हम नंगे सर नंगे पैर इसीलिए जमा हुए है ताकि हम रब की बारगाह में दुआ मांगे। चुनांचे
फिर का क्या हुआ का सुबह से लेकर जोहर हो गई, जोहर से लेकर असर होने के करीब है मगर बारिश नहीं हो रही है। हर एक ने दुआ मांगी। वो नौजवान दहली वालों से कहता है, दहली वालों अगर तुम कहो और इजाजत दो तो मैं दुआ मांगू, हो सकता है मेरी दुआ पर अल्लाह ताला बारिश बरसा दे। जोर से बोलो। लोगों ने कहा कि सब भी दुआ मांग रहे, बड़े बड़े उलमा मांग रहे, बड़े बड़े सूफिया मांग रहे, किसी की दुआ कबूल नहीं हुई है। नौजवान तेरी कैसे हो सकती है? मगर हाँ उलमा को बात पता चली तो उलमा इकराम ने कहा कि आने वाला तो मेहमान है, आने वाला तो मुसाफिर है, यकीनन हर एक को दुआ मांगने का हक है, उस नौजवान से कहो कि वो भी दुआ मांगे। अब जैसे नौजवान से कहा कि उलमा ने तुझे इजाजत दी तू दुआ मांग, अब वो नौजवान ए उड़न गांव के मुसलमानों अब जरा उस नौजवान की अदा को देखो, वो नौजवान ने मुसल्ला नहीं बिछाया, जैसी इजाजत मिली वो नौजवान पालकी के पास आकर के खड़ा हो जाता है और दुआ के लिए हाथ उठा देता है। अब क्या प्यारी दुआ मांग रहा है वो नौजवान, दुआ करते हुए कहता है ऐ मेरे मौला ऐ मेरे खुदा, दिल्ली के लोग बारिश ना होने की वजह से परेशान हो रहे हैं, यहाँ के लोग भूखे हैं, यहाँ के लोग प्यासे हैं, पानी ना मिलने की वजह से जानवर भी मर रहे हैं, इंसान भी तबाह बर्बाद हो रहे हैं, ऐ मेरे मौला दिल्ली की सरजमीन पर बारिश नाज़िल फरमा, ऐ अल्लाह मैं तुझे उस खातून का वसीला पेश करता हूँ, मैं तेरी बारगाह में उस औरत का वसीला पेश करता हूँ जो खातून इस डोली में है, ऐ मेरे मौला उस खातून के दुपट्टे के सदके वसीले से इस जमीन पर बारिश नाजिल फरमा। इतना दुआ मांगना था, अभी हाथ नीचे भी नहीं गिरने पाए थे कि आसमान पर फौरन बादल छा गए और उसी वक्त बारिश बरसना शुरू हो जाती है, उसी वक्त शुरू हो जाती है और इतनी बरसती है कि जितने लोग आए थे सबके सब बारिश के कतरों से तर हो जाते हैं, यहां तक कि घुटने इतना पानी पूरी दहली के अंदर जलथल हो जाता है, लोग जा रहे हैं मगर उलमा ने उस नौजवान का दामन थाम लिया और कहा है नौजवान सुबह फजर से लेकर जहर तक, जहर से लेकर असर तक हम रब की बारगाह में दुआ मांग रहे थे मगर हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही थी, हम बहुत दिल गिला रहे थे, बहुत आंसू से रो रहे थे मगर हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही थी। ऐ नौजवान ना तूने सजदा किया है, ना तूने रुकू किया है, ना तूने कोई नमाज पढ़ी है, ना तूने कोई मुसल्ला बिछाया है, बल्कि यहाँ पर आकर तूने दुआ मांगी है, ऐ अल्लाह इस खातून के दुपट्टे के आंचल के सदके वसीले से दहली के सरजमीन पर बारिश बरसा दे। ऐ नौजवान आखिर इस पालकी में आखिर इस डोली में कौन मुकद्दस औरत बैठी है? अरे जिसके दुपट्टल के आंचल के वसीले से अल्लाह पानी को बरसा दे, अल्लाह बारिश का नुज़ूल फरमा दे। अरे जिसके आंचल का आलम यह है तो उसकी जात का आलम क्या होगा? वो खातून का मकाम कितना बुलंद होगा? वो खातून कितने अल्फा वाला मकाम और दर्जे की होगी? आखिरकार पालकी में कौन बैठा हुआ है? तो नौजवान कहता है ऐ दहली वालों सुनो सुनो मैं कौन हूं ये भी जान लो, पालकी में कौन बैठा है ये भी जान लो, पूरी दुनिया वाले बल्कि मेरी वालिदा मोहतरमा माने मेरा नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रखा हुआ है, मेरा नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है और डोली में जो बैठी हुई औरत है ये कोई और नहीं मेरी वालिदा मोहतरमा है, मेरी वालिदा मोहतरमा है। का उनका मकाम किस वजह से इतना बुलंद बाला है कि रे आंचल का वसीला लगाया जाए तो अल्लाह फौरन दुआ को कबूल कर लेता है, आखिर इसकी वजह क्या है? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं मेरी वालिदा मोहतरमा ने जब से होश संभाला तब से लेकर आज तक के मेरी वालिदा मोहतरमा को आज तक के किसी गैर महरम ने नहीं देखा है, किसी गैर मर्द ने नहीं देखा है, आज तक के किसी गैर मर्द की नजर मेरी वालिदा के चेहरे पर नहीं पड़ी है, न उनके बालों पर पड़ी है। ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादो, ऐ उड़न गांव के मुकद्दस शहजादो, जरा सोचो तो सही हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की वालिदा के जिस्म पर किसी गैर महरम की नजर नहीं पड़ी तो अल्लाह ने इनाम ये दे दिया, इतना बड़ा इनाम दिया कि कोई उनके नाम से नहीं बल्कि उनके दुपट्टे के वसीले से जो भी दुआएं मांगी जाती थी अल्लाह फौरन दुआओं को कबूल फरमा लेता है। हमने भी क्या अपना माहौल वैसा बनाया
क्या हमारी भी बेटियां सर पर दुपट्टा रखने वाली है? क्या हमारी भी बेटियां सरों पर अपने बालों को ढाकने वाली नहीं? हरगिज भी नहीं, बल्कि हमारा तो माहौल इतना घिनौना, और हम खुद अपने बच्चों को बिगाड़ते बचपन से। क्या बच्ची 5 साल की होती है, 10 साल की होती है, तो हम खुद फराक लेने के लिए जाते हैं। फराक क्या लेकर आते हैं, ड्रेस क्या लेकर के आते हैं? अभी ईद आने वाली है, इस पर भी जरा गौर करना। बच्चियों को हम ये हाफ फराक जो लाते हैं कि जिसका हाथ कंधे भी दिखाई देते हैं, जिसकी बगले भी दिखाई देती है, अरे देखने में तो बच्ची है मगर बचपन से उसको ऐसे ड्रेस और ऐसे लिबास की आदत तो हम डाल रहे हैं। काश हम अपनी बच्चियों को, बेटियों को बच्ची समझ करके नहीं, बल्कि ये एक औरत है ये समझ करके हम अपनी बच्चियों को अगर बचपन से इस्लामी ड्रेस, फूल अस्तीर माला, कपड़ा पहनाने की आदत डालेंगे, यकीनन मेरा दावा है जब बच्ची 12-15 साल की होगी और जब उसको ऐसा ड्रेस लाया जाएगा जिसकी अस्थिर नहीं है, तो वो बच्ची फेंक देगी ड्रेस को और कहेगी मैं ये नहीं पहनती, मुझे तो फूल अस्तीर वाला लिबास लाइए। और जिसको बचपन से हाफ पहनने की आदत है, जब बच्ची बड़ी हो जाती है और जब उसे फूल आस्तीन वाला ड्रेस लाया जाता है तो कहती नहीं नहीं घबराहट हो रही है, तो हमने अपनी बच्ची को बिगाड़ा ना। मेरे प्यारे, आज जरूरत है कि हम अपनी बच्चियों को बचपन से निखारे, हमारी अपनी बच्चियों की खुद की हम तरबियत करें, हमें अपने बच्चियों को मदरसे में पढ़ने के लिए भेजे, अपने बेटों को, अपने लड़कों को मदरसे के अंदर भेजे। यकीनन मेरा दावा है जब हमारी बच्चियां कुरान पाक की पढ़ने वाली होगी, जब हमारी बच्चियों की ज़बानों पर नाते मुस्तफा होगा, तो फिर हमारी बच्ची जवान होकर उसकी ज़बान पर कोई सीरियल की स्टोरी नहीं होगी, उसकी ज़बान पर फिल्मी गाने नहीं होंगे, बल्कि उसकी ज़बान पर तो कुरान पाक की तिलावत होगी। मगर हम भेजेंगे मदरसे में तब ना। मेरे प्यारे, आओ आखिरी बात कहकर रुखसत हो जाओ। हजरत खातून जन्नत कहती है, या रसूल अल्लाह, वो दूसरी औरत जो जबान के बल लटकी हुई थी, उसको किस बुनियाद पर सजा दी जा रही थी? सरकार ने फरमाया, मैंने जिब्रील से पूछा, अरे जिब्राइल जरा ये तो बताओ इस औरत को जबान के बल क्यों लटकाया गया है? तो हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, दुनिया में ये वो औरत थी जो अपने शोहर से मुंह जोरी के साथ पेश आया करती थी। मुंह जोरी के साथ शोहर की इज्जत नहीं रखा करती थी, बल्कि शोहर से ज्यादा बुलंद आवाज करके अपने शोहर के साथ लड़ा करती थी, गाली गलौज दिया करती थी, जिसकी बुनियाद पर आज उसे अल्लाह ने आजाब दिया कि जबान के बल उसको लटकाया गया हुआ है। मेरी प्यारी बहन बेटियों, क्या आज हमारे घर में ये माहौल नहीं हो रहा है? क्या आज बेटियां, हमारी बेटियां जरा जरा बात पर अपने शौहर से, शौहर तो शौहर, अपने बाप से लड़ने के ऊपर आ जाती है, फट करके मुंह तोड़ जवाब दे देती, देती है कि नहीं देती है? और जोर से बोलो ना, जरा सोचे वो खवातीन, वो बेटियां जो मुंह जोरी से पेश आती, हुजूर ने फरमाया कि अपनी ए खवातीन, अगर शौहर तुम्हारा जालिम है, तुम्हें तकलीफ देता है और तुम उसकी तकलीफ को बर्दाश्त करो, सब्र करो, तो कयामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हें सब्र अय्यूब के बराबर सवाब अता फरमाएगा। और मेरे आका पलट कर मर्द हजरात के भी बारे में फरमाते हैं, ऐ मर्द हजरात, अगर तुम्हारी बीबी ऐसी मुंह दराज हो जिसकी जबान से तुम्हें अजियत होती हो, तकलीफ होती हो, तो तुमने सब्र करना, इसलिए कि जो अपनी बीवी के तान तिशने और मुंह जोरी और जबान की वजह से सब्र करता है, तलाक नहीं देता है बल्कि सब्र करता है और अल्लाह की रजा पर राजी रहता है, तो हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन ऐसे मर्दों को अल्लाह ताला सब्र अय्यूब के बराबर सवाब अता फरमाएगा। आज जरा जरा सा झगड़ा घर में क्या होता है, इधर औरत को चलाला जाता है, मुझे ऐसा बोले, उधर आदमी को जोश आ जाता है, मुझे ऐसा बोली, और फिर क्या होता है, डायरेक्ट तो फायरिंग शुरू होती है। शोर क्या, फिर तलाक दिया, तलाक दिया, तलाक, 3 गोलियां क्या मारा कि निकाह से बाहर हो जाती है। जबकि मेरे प्यारे,
हुजूर फरमा रहे सब्र करे। अगर औरत जबान दराज है तो उसकी जबान दराजी पर शौहर को चाहिए कि सब्र करे। अगर शौहर जालिम है तो औरत को चाहिए कि वो सब्र करे। मगर ये जबान बहुत खतरनाक चीज, जरा जरा बात पर तलाक, जरा जरा बात पर तलाक। मगर मेरे आका का कि हदीस सुनो और मचल जाओ, जिसको हदीस समझ में आए, जिसको हदीस समझ में आए तो पसंद आए तो सुभान अल्लाह। के हुजूर फरमाते हैं ए लोगो तुम में सबसे बेहतर कौन है, मेरे आका फरमा रहे तुम में सबसे बेहतर कौन है। तो सहाबाए किराम अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह आप ही साफ फरमाइए कि कौन तुम में हमें सबसे बेहतर है। तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ उसने सलूक के साथ पेश आता है, जो अपनी बीवियों के साथ उसने के साथ पेश आए वो तुम में सबसे बेहतर है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं तुम में सबसे बेहतर हूं कि मैं अपने घर वालों के साथ सबसे ज्यादा उसने सुलूक करता हूं। मेरे प्यारे जरा सोचो तो सही, मैं ये के हुजूर फरमा रहे कि तुम में सबसे ज्यादा बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के साथ सबसे ज्यादा उसने सुलूक करता हो। मगर आज हमारा हाल यह है कि हम अपनी बीवियों के साथ बजाय प्यार के ये दे लाता, अगर कुछ हो जाए मामला तो सब्र से काम नहीं लेते। हुजूर ने मारने से मना फरमाया कि चेहरे पर ना मारे, मगर हमारी लड़ाई होती है बीवी से तो सबसे पहला हाथ तो चेहरे पर ही पड़ता है। दे लात, दे गुस्सा, दे भूखा, इस तरह से मारते कि एडमिट कर देते बिचारी को। मगर मेरे आका फरमाते ना ना ऐसा ना करे। जबकि हुजूर फरमाते हैं कि सुनो, एक बार मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हमारी माँ यानी अपनी बीवी हुजूर की ज़ौजे मोहतरमा से सरकार ने फरमाया है आयशा पानी ले आओ। अब हमारी माँ सबकी माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गई और प्याला भर कर पानी ले आई। अब जैसे ले आई तो हुजूर ने फरमाया आयशा पानी ले आई, कहा या रसूल अल्लाह पानी ले आई हो। मेरे आका फरमाते हैं आयशा पहले तुम पानी पी लो। जोर से बोलो, मैंने एक जगह पर तकरीर किया यही हदीस पाक और रखा है लोगों के अपने घर में भी इस हदीस पर अमल जरूर करना कि अपनी बीवियों के साथ किस तरह से पेश आए। मैंने लोगों से कहा था बहरहाल कहा कि पहले तुम पानी पियो आयशा। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है या रसूल अल्लाह आपका हुक्म सर और आंखों पर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका हुक्म सर और आंखों पर। फौरन हजरत आयशा ने पानी पीना शुरू फरमा दिया। जोर से बोलो, पानी पीना शुरू फरमा दिया। अगर हम अपनी बीवी से कह दे ए मेरी बीवी पानी ला तो पहले तो लाएगी नहीं, कहेगी उठ के ले लो, और कोई अगो और बदमाश ज्यादा ही रही तो कहे कि तुम भी पी लो मुझे भी लेके आ जाओ। मगर मेरे प्यारे वो हमारी माँ हजरत आयशा थी, सरकार ने फरमाया पानी लाओ, पानी ले आई, कहा पहले तुम पियो, तो फौरन पानी पीना शुरू कर दी। आजकल की अगर खातून होती तो कहती अच्छी तुम निच बोले ना पानी लाने का, मैंने लेकर के भी आई और आप क्या मैंने कि उसमें जहर डाल दी कि मुझे कह रहे कि पहले तू पी, यानी पहले तू मर फिर बाद में मैं पीता हूं। मगर नहीं नहीं, ये आजकल की खातून नहीं बल्कि वो तो हमारे तुम्हारी सबकी माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका है। कितनी अच्छी तरबियत मेरे मुस्तफा फरमा रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं आयशा पहले तुम पियो। अब जैसी हजरत आयशा ने पानी पीना शुरू किया, पानी पीने के बाद मेरे आका फरमाते हैं आयशा पानी पी लिया, हज़रती हाँ या रसूल अल्लाह मैंने पानी पी ली। अब ये हदीस पर अमल करना अपने घर पे जाकर और इसी तरह से करना, माहौल कितना सवरेगा। सुनो मेरे आका फरमाते हैं आयशा पानी पी ली, का हाँ अब जरा आयशा ये बताओ, मेरे आका फरमाते हैं आयशा जरा ये बताओ प्याले में से किस जगह से किस मकाम से आयशा तुमने पानी पिया है। हजरत माँ आयशा कहती है या रसूल अल्लाह पानी के इस हिस्से से, प्याले के इस हिस्से से मैंने या रसूल अल्लाह पानी पी हूँ। अब जैसी मेरे आका ने देखा कि आयशा ने इस हिस्से से पानी पिया है, फौरन मेरे आका उसी हिस्से पर अपने लबों को लगाकर पानी पीना शुरू कर देते हैं, अपने लबों को लगा करके पानी पी रहे हैं। अब जैसी ही मेरे मुस्तफा पानी पी रहे हैं तो हजरत आयशा
आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है, ऐ या रसूल अल्लाह, आप सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मुझसे फरमाते हैं उतनी मोहब्बत आप किसी और से भी नहीं फरमाते हैं। मतलब क्या है? मेरे आका जहन दे रहे हैं, ऐ औरंगाबाद वालों, अपनी बीवियों को हकारत से ना देखो, अपनी बीवियों को मामूली ना समझो, बल्कि तुम अपनी बीवियों को इज्जत दो। जब तुम अपनी बीवियों को इज्जत देंगे तो वो तुम्हारी इज्जत करती हुई नजर आएगी। मगर आज अफसोस का मकाम यह है कि हम अपनी बीवियों को भी नाराज करते हैं, अपने माँ बाप को भी नाराज करते हैं। अरे मुस्तफा ने फरमाया, माँ बाप का भी मोहब्बत का दामन हाथ से छूटने ना पाए और बीवी के भी मोहब्बत का दामन छूटने ना पाए। जो माँ बाप को भी इज्जत देगा और जो अपनी बीवियों को इज्जत देगा, तो सरकार मदीना फरमाते हैं अल्लाह ताला इज्जत देने की बुनियाद पर ऐसी औलाद को पैदा फरमाएगा, उसके कोख से ऐसी औलाद को पैदा फरमाएगा जो औलाद जब ये बूढ़ा हो जाएगा तब ये उसकी औलाद उसकी इज्जत करती हुई नजर आएगी। समझ में आ रहे हो? हजरत मेरे आका फरमा रहे कि इज्जत चाहते हो बुढ़ापे में तो जवानी में अपने माँ बाप की इज्जत करना। आज हम जवानी में अपने बाप को दे ला दे घूसा दे गाली गलोच ना मेरे प्यारे, अगर हमने अपने माँ बाप का दिल दुखाया तो हमारी औलाद हमारा क्या हाल करेगी। इसके लिए भी तैयार हो, आओ देखो हिंदुस्तान की सरजमीन पर ले जाओ ये कौन है। हजरत ख्वाजा ख्वाजगा फख्र हिंदुस्तान अताए रसूल हिंदल वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात बरकात है कि हजरत ख्वाजा ग्रेनाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी वालिदा से इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे अल्लाह अकबर कबीरा के घर से जब भी कदम निकालते थे तो माँ की इजाजत के कदम नहीं निकाला करते थे। आज हम है कि माँ से इजाजत नहीं लेते हैं, जबकि मेरे ख्वाजा गरीब नवाज जिनसे हम मोहब्बत करते हैं उनकी मोहब्बत तो देखो अपनी वालिदा से। जब भी जाते जाते घर से बाहर निकलते अपनी माँ से इजाजत लेते। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की माँ फरमाती है, बेटा मोइनुद्दीन तुम जब भी जाते हो माँ की इजाजत लेकर के जाते हो, अरे कभी कभार अपनी वालिदा की इजाजत ना लेकर के भी चले जाया करो। तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज करते हैं, अरे माँ अरे वालिदे मोहतरमा, ये गरीब नवाज को गवारा नहीं है कि जिस माँ ने मुझे दुनिया में पैदा किया है उस माँ की इजाजत के बगैर अरे मैं घर से बाहर निकल जाऊं, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं है। अरे जरा सोचो तो सही, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं अपनी माँ की इजाजत लेकर के निकल रहे हैं, अरे वो ख्वाजा गरीब नवाज की चौकट पर हम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं। अगर हमने माँ को सता करके गरीब नवाज की बारगाह में गए होंगे, अगर माँ का दिल दुखा करके ख्वाजा की बारगाह में जाएंगे तो क्या मेरे ख्वाजा गरीब नवाज आने वाले को कबूल फरमाएंगे? नहीं नहीं कबूल फरमाएंगे, इसलिए कि मेरे ख्वाजा देखेंगे अरे मेरी चौकट पर जो आया है ये तो माँ का दिल दुखा करके आया है, मेरी बारगाह में जो आने वाला आया है ये तो बाप को गालियां देकर के आ रहा है। हम अजमेर शरीफ जाते हैं फिर कहते हैं कि दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही है? अरे काम वो करो जो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने किया है, अमल वो करो जो मोइनुद्दीन अजमेरी ने किया है। मेरे ख्वाजा जब भी घर से बाहर निकलते थे माँ की इजाजत लेकर निकला करते थे। आज का बेटा यह है अजमेर शरीफ तो जा रहा है, माँ बिस्तर पर पड़ी हुई है, दवा के लिए तड़प रही है, माँ बेटा बेटे से कह रही है बेटा अजमेर शरीफ जाने के बजाय मेरी दवा का इस्तेमाल, मेरी दवा का पर्चा ले जा और दवा ला करके दे दे। बाप कहता बेटा खर्चे के लिए पैसे दे दे, मगर हमारा जवान ना माँ को खर्चे के लिए पैसे देता है ना बाप को देता है, बल्कि उल्टा बाप से कहता है तुमको क्या करना पड़ा और तुमको क्यों पैसों की जरूरत है। अरे मेरे प्यारे जब हम छोटे बच्चे थे 8 साल 10 साल जब जब हम अपने बाप से पैसा मांगते थे तो क्या बाप ने हमारे बाप ने कभी ये कहा कि तुझे क्यों लग रहे पैसे? नहीं, बल्कि 10 रुपए मांग रहा तो बाप 100 की नोट निकाल के देता,
बेटा अगर छोटा सा बेटा है, अगर वो मांग रहा अब्बा जान मुझे खाऊ के लिए पैसे, तो बाप 5 रुपए मांग रहा है तो बाप 50 की नोट निकाल करके देता है, ले मेरे बेटे, खुश होता है बाप। मगर आज उल्टा दौर कितना है, बाप से मांगो बचपन में तो बाप देता है, और यही बाप जब बूढ़ा हो जाता है और यही बच्चा वाला जवान हो जाता है, और बाप जब कमाने के लायक नहीं रहता है अपने जवान बेटे से कहता है बेटा बीड़ी को दे दे रे, बस ना हो कल तो दिया था 10 रुपए, और क्या करे 10 रुपये, ये हिसाब मांगता है, ये हिसाब मांगता है। वो बाप बचपन जब जवान था और तेरा बचपन था, तूने जब 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 कुल्फी के लिए, जब जब तूने आइसक्रीम के लिए, जब जब तूने ठंडी चीजों के लिए कोई चीज का मुतालबा किया, तेरा बाप खून पसीने की कमाई ला करके फिर उसने नहीं देखा मेरे पास सिर्फ 100 की नोट है, ये कल क्या होगा नहीं, बल्कि जब जब तेरी नन्ही जबान से तूने पैसों का मुतालबा किया, तेरे बाप ने पैसे निकाल करके तेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया, तेरी हर तमन्ना को पूरा किया। मगर है नौजवान आज तुझे क्या हो गया है कि आज वो बाप बूढ़ा हो गया है और तू जवान है, अच्छा तेरा बाप तुझसे मांगता है तो तू हिसाब मांग रहा है, तू हिसाब मांग रहा है, तू हिसाब मांग रहा है, बीड़ी कारी के लिए पैसा मांग रहा है। ऐ मेरे प्यारे, मेरे प्यारे इधर देखिए, आप लोग इधर तवज्जो, मेरे प्यारे आज हम लोग अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हाँ हाँ मैं बताता हुआ चलूं, वालिदैन अगर मांग रहे हैं तो उनकी जरूरियात के लिए देना चाहिए, उनकी जरूरियात के मुताबिक देना चाहिए। मगर अगर कोई बाप अल्लाह की बना, अगर कोई बाप अगर जुआ खेल रहा है तो फिर नहीं देना चाहिए, अरे इसका भी ध्यान रखना चाहिए। मेरे हाल माँ बाप की कद्र करो, जो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जो अपने माँ बाप आपको मोहब्बत से देखता है अल्लाह ताला एक हज्जे मबरूर का सवाब अता फरमाता है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, हुज़ूर तकदीर नारे रिसालत मसले के आला हज़रत ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकदीर नारे रिसालत उलमा अहले सुन्नत या मोईन। मेरे ख्वाजा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह माशाल्लाह, आप लोग इधर तवज्जो के साथ। तो मेरे ख्वाजा जब जब अपने घर से बाहर निकलते थे, घर से कदम निकालते थे, तो मेरे ख्वाजा अपनी वालिदा की इजाजत लेकर के बाहर कदम निकाला करते थे। अब जरा सोचो तो सही, अब जरा सोचो कि मेरे ख्वाजा अपनी माँ से इजाजत लेकर के जाया करते थे तो अल्लाह ने मेरे ख्वाजा को वो मकाम अता फरमाया, वो रुतबा अता फरमाया कि मेरे ख्वाजा जब हिंदुस्तान में तशरीफ ला रहे हैं तो मेरे ख्वाजा ने हिंदुस्तान वालों को अल्लाह से इतना करीब किया, इतना करीब किया कि मेरे ख्वाजा ने इसी हिंदुस्तान के 96 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल फरमा दिया। जबान से जो दुआ निकालते अल्लाह फौरन दुआ को कबूल फरमा लेता। एक बार मेरे ख्वाजा अजमेर शरीफ में, राजस्थान में अजमेर शरीफ गए होंगे आप लोग, अजमेर शरीफ की गली से गुजर रहे थे, देखा कि एक पीतल की गाय बनी हुई है, बहुत बड़ी घर के सामने, एक काफिर शख्स के घर के सामने पीतल से बनी हुई गाय का मुजस्समा रखा हुआ है। अब गरीब नवाज सरकार वहां से गुजरे, अब जैसे गुजरे तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को भूख लगी हुई थी, आपने देखा कि वहां पर एक गैर मुस्लिम पंडित बैठा हुआ है, आप जाते और कहते हैं भाई हमें अपना मेहमान बना ले। अब जाहिर सी बात है मेहमान मांगे नहीं ख्वाजा गरीब नवाज के खाने को दे दे, बल्कि फरमाया कि मेहमान बना ले।
कहा ठीक है मैंने मेहमान बना लिया। अब जैसे गुफ्तगु होने लगी तो मेरे ख्वाजा ने कहा बात ये मेरे प्यारे कि हमें भूख लगी हुई है, अगर तू इजाजत दे तो हम इस गाय का दूध निकाल करके पी ले। अरे जोर से बोलो इजाजत दे तो निकाल ले। अब वो काफिर था कहने लगा अरे मुसलमानों के पेशवा तुम तो ये कैसा मजाक कर रहे हो, ये तो पीतल की है, इस ये दूध गाय दूध थोड़ी देती है। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए फरमाया तुझे दे या ना दे तू सिर्फ इजाजत दे कि गाय से दूध निकालने की इजाजत दे, अगर देगा तो इंशाल्लाह ताला हम आगे का मामला हम जाने और ये गाय जाने, तू इजाजत दे दे। कहा कि अरे फकीर तू बहुत बड़ी बात कर रहा है। कहा अगर नहीं निकाल सके तो, मेरे ख्वाजा ने उसके जवाब में नहीं कहा कि तू जो कहेगा वो, नहीं मेरे ख्वाजा ने फरमाया अगर मैंने निकाल लिया तो, मेरे ख्वाजा फरमा रहे वो कह रहा है काफिर है पंडित है कह रहा है अगर तुमने नहीं निकाला तो, मेरे ख्वाजा फरमा रहे तू इजाजत दे और अगर मैंने दूध निकाल लिया तो, वो शख्स कहता है अगर निकालो जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा इजाजत है। अब जैसी ही इजाजत देता है अब मेरे ख्वाजा गई नवाज फरमाते जा अंदर जा और बाल्टी ले आ, चुनांचे बाल्टी लेकर के आता है। मेरे ख्वाजा ऊंचे पत्थर पर बैठ जाते हैं और बाल्टी को नीचे रखते हैं और जिस तरह से जानवर का दूध निकाला जाता है उसी अंदाज में बैठ जाते हैं और मेरे ख्वाजा की जबान से पहला जुमला निकलता है औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये कहकर गाय के थन को पकड़ा और जिस तरह से गाय के थन को दूध निकालने से पहले पहले किसान उसके हाथ को थन को नरम करता है वैसे ही ख्वाजा गरी नवाज उसके थन को नरम करते हैं। अब ये जैसे ही देखता है आगे फटी के फटी रह जाती है, वो तो थन पीतल का है मगर ख्वाजा के हाथ में जैसे ही आ गया फौरन गोया के उस थन के अंदर अल्लाह ने जान पैदा फरमा दी है, जान पैदा फरमा दी है, वो थन नरम होने लगा। अब मेरे ख्वाजा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते जा रहे हैं और दूध निकालते जा रहे हैं और दूध जब निकालते जा रहे हैं तो वो फंडी सटी आंखों से देखते जा रहा है, बाकायदा दूध भी निकल रहा है और पहली धार जिससे चूर चूर की आवाज आ रही है वैसी ही आवाज बाल्टी में जब दूध गिर रहा है वैसी चूर चूर की आवाज आ रही है, ये देखते जा रहा है और मेरे ख्वाजा दूध निकालते चले जा रहे हैं, दूध निकालते चले जा रहे हैं, यहाँ तक कि इतना निकाला कि बाल्टी भर गई। मेरे ख्वाजा ने फरमाया जा अंदर से प्याला ले आ, वो दौड़ा दौड़ा अंदर जाता है प्याला लेकर के आता है। लेकर के आने के बाद मेरे ख्वाजा फरमाते हैं देख गाय भी तेरी है मालिक भी तू है लिहाजा पहले तू दूध पिएगा पहले तू पिएगा तेरा हक ज्यादा है। चुनाच मेरे ख्वाजा उलटते हैं और बाल्टी से दूध निकालते हैं प्याले में भरते हैं, फरमाते अब जैसी ये पी रहा है अभी तक के शक में है कि ये दूध है कि वाकईतन क्या है, मगर जैसी मुंह को लगाया तो वाकईतन दूध जैसी लज्जत तो दे रहा है, वाकईतन दूध से भी ज्यादा मीठा और सफेद दूध है। चुनाचे पीता जा रहा है, मेरे ख्वाजा ने एक प्याला दिया पी लिया, दूसरा प्याला दिया पी लिया, तीसरा प्याला दिया पी लिया। चुनाचे मेरे ख्वाजा फरमाते और बाल्टी नीचे करते हैं थन को हाथ लगाते दूध निकालते हैं। मेरे ख्वाजा फरमाते जा घर में तेरी बीवी भी है तेरे बच्चे भी है वो भी भूखे प्यासे है उनको भी दूध पिला करके आ जा। चुनाचे वो भी दूध पी लेते हैं। अब मेरे ख्वाजा दूध निकालते हैं अपने मुरीदीन जो आए हुए साथ में थे कुछ वो तीर से फरमाते हैं अब अपने साथियों को दूध पिलाना शुरू कर दो। चुनाचे तमाम साथी भी पीते हैं कुछ वो दिन भी पीते हैं। अब मेरे ख्वाजा फरमाते हैं अरे पंडित अगर तेरी इजाजत हो तो मैं भी पी लूं। सुभान अल्लाह। अब जैसे मेरे ख्वाजा दूध पीना शुरू करते हैं अब जैसे दूध पिया है दूध पी करके सैर हो जाते हैं। अब मेरे ख्वाजा वहां रुकते नहीं है बल्कि पंडित से कहते ले भाई अब तेरा भी काम हो गया है हमारा भी काम हो गया है अब इजाजत दे आगे जाना है। अब जैसे मेरे ख्वाजा आगे कदम बढ़ा करके चलने लगे ये तो कभी गाय को देखता है तो कभी मेरे ख्वाजा को देख रहा है कभी गाय को देख रहा है कभी मेरे ख्वाजा को देख रहा है फौरन बाल्टी को छोड़ता है
करता है, अर्ज करता है, अरे मेरे ख्वाजा गरीब नवाज अब जरा ये बता दीजिए कि मैं आपका कलमा पढ़ू, मैं आपका कलमा पढ़ू या गाय पर ईमान ले आओ, गाय का कलमा पढ़ो। तो मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, अरे सुन ले, अरे आने वाले सुन ले, ना तू मेरा कलमा पढ़ा ना गाय का कलमा पढ़ा, बल्कि आ जा मेरे दामन में आ जा और मदीने वाले मुस्तफा का कलमा पढ़ ले, सरकार तो आलम का कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो जा। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो साधु कदमों में गिरता है, कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो जाता है। अल्लामा हसन रजा फरमाते हैं ख्वाजा हिंद वो तलवार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद वो तलवार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं है मांगने वाला तेरा। नारे रिसालत उलमा अहले सुन्नत ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर नारे रिसालत हक मुईन हक मुईन हक मुईन हक मुईन। माशाअल्लाह यहाँ तो माशाअल्लाह औलिया किराम के दीवाने बैठे हुए हैं। अरे सुन्नियों अपने नसीब पे कुर्बान जाओ, हम तो एहसान मानने वालों में से है, हम वो बदमाश नहीं है कि अरे ईमान हिंदुस्तान में इस्लाम किसने लाया, सब बोलो जोर से बोलो ना। अब उन वो ना होते तो ना जाने हम कौन कहां होते और क्या कर रहे होते माजल्ला। ये तो एहसान मेरे ख्वाजा का है कि नहीं है, हम लोग एहसान फरामोश नहीं है, वो और होते हैं जो माजल्ला ख्वाजा की वजह से मुसलमान हुए हैं मगर माजल्ला ख्वाजा की तोहीन करते हैं, ख्वाजा को बुरा भला कहते हैं। जमीन पर मेरे प्यारे हमें खिला रहे हैं पिला रहे हैं, इसलिए कि ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं, वो तो मदीने के ताजदार की जागीर है, वो तो ख्वाजा गरीब नवाज की जागीर है। ऐ औरंगाबाद वालों, ये एहसान ख्वाजा का एहसान डंके की चोट पर हर एक से छाती ठोक करके कह रहा कि हम ख्वाजा वाले हैं, हम ख्वाजा वाले हैं, हम ख्वाजा वाले हैं, और हम एहसान फरामोश नहीं है, हम गद्दार नहीं है बल्कि अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले हैं। अरे जिनके कदमों की वजह से हमें इस्लाम की दौलत मिली है, हमें इस्लाम की दौलत मिली है, उनके नजर की बरकत से अल्लाह ने हमें मोमिन बनाया है, मुसलमान बनाया है। आखिरी बात कह करके इशारा हो रहा है कि तकरीर को खत्म किया जाए, लिहाजा मैं चंद मिनट। माशाल्लाह सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु की जात, आख ये बात बताओ कि ख्वाजा को गरीब नवाज का असल नाम क्या जानते हो आप? माशाअल्लाह मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, जोर से कह दीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज की बात आ गई है तो बताता हूं चलो कि हम लोग गरीब नवाज गरीब नवाज गरीब नवाज कहते हैं तो ख्वाजा को आखिरकार गरीब नवाज का लकब किसने दिया है, ये भी सुने गरीब नवाज का लकब किसने दिया है? आपकी वालिदा ने और वालिद ने आपका नाम सैयद हसन रखा हुआ था, क्या नाम रखा हुआ था? सैयद हसन। ईद का दिन था, ईद का भी महीना आ रहा है, आप लोग इस पर भी रोशनी डालें कि रमजान के महीने में रोजे रखे नमाज पढ़े गरीबों की मदद करे एक दूसरे को ताउन करे ज़कात दे करके। बहरहाल ईद का दिन था, गरीब नवाज बहुत बड़े रईस घराने से ताल्लुक रखते थे, आपके वालिद ने बहुत बड़ा कीमती लिबास पहनाया हुआ था। अब जैसे ही ख्वाजा गरीब नवाज कीमती लिबास पहन करके जा रहे थे अपने बाप की उंगली पकड़ करके, देखा कि एक नाबीना लड़का उनकी उम्र का रोड पर खड़ा हुआ है, रो रहा है आंसू निकाले हुए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने बाप की उंगली को छोड़ा, दौड़ते हुए आए लड़का
भाई आज ईद का दिन है, रोता क्यों है, परेशान क्यों होता है? वो लड़का कहता है, अरे आने वाले चला जा, बहुत सारे लड़के लोग आए मगर किसी ने मेरे बारे में नहीं पूछा, आखिरकार तुम कौन हो? तो कहने लगे कि मेरा नाम सैयद हसन है। अब किसी नाबीने लड़के ने सुना कि ये सैयद हसन है, फौरन कहता है।